हाँ दोस्तों, राजवंश सिंह मोहाली प्रॉपर्टी गुरुकुल चैनल में आपका हार्दिक स्वागत। और जो आज का टॉपिक है, ये मैं ये बताना चाहता हूँ, ये रोड से लगती हुई ज़मीन है जिसका रोड को फ्रंट बताया जा रहा है 181 फीट 6 इंच, लेकिन जो हम राइट एंगल में निकालते हैं तो 151 फुट 6 इंच आ रहा है इसका। तो ये हमें कई बार गलती में डाल देता है कि इसका जो फ्रंट है वो ज़्यादा है, हम जो इसमें अपने यूज़ करना है, शॉप्स बनानी है, शोरूम बनाने हैं, कुछ और बनाना है, तो हम 181 फुट के हिसाब से कैलकुलेशन कर लेते हैं, जबकि इसकी कैलकुलेशन है जो राइट एंगल में 151 फुट के हिसाब से होनी चाहिए। ये 151 थी, ये जो जगह है ये इसको आप छोड़ सकते हो, वेस्टेज भी आ सकती है, या जैसे शहर में ज़रूरी है छोड़ना 33 फिट का रास्ता छोड़ना ज़रूरी है, और कोई उस तरीके से हम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ मूर्ख नहीं बनना, कोई आदमी आपको कागज़ दे के कहे जी 181 फिट का फ्रंट है, ये 181 नहीं मानना, ये सिर्फ हमने 151 फुट मानना है जो हमारा राइट एंगल में है। ये बहुत ज़रूरी है, कई बार इस तरीके की मिस्टेक करते हैं, मैंने पहले भी वीडियो दी थी इसके ऊपर, तो ये दोबारा फिर हमारे पास कोई प्रॉपर्टी आई है जो 181 फुट कह के आई थी कि 181 फुट का फ्रंट है, जब हमने कागज़ पत्र देखे, इसके कागज़ देखे तो इसमें 151 फुट का फ्रंट है, तो इसमें 30 फिट का फर्क पड़ गया। यदि हम 15 फिट के शोरूम निकालें तो दो शोरूम ही गैप हो गए इसमें से, तो दो शोरूम यदि शहर बड़े शहर की प्रॉपर्टी हो, 2 करोड़ रुपये का भी शोरूम हो सकता है, और ज़्यादा महंगे प्रॉपर्टी हो 5 करोड़ का भी हो सकता है, यदि कम की हो तो 20-30 लाख का भी हो सकता है, वो प्रॉपर्टी के हिसाब से। हमने गलती नहीं करनी, ऐसा नहीं कि इसमें गलत कैलकुलेशन करके हमने फंस जाना है, या कोई हमें प्रॉफिट ज़्यादा देख लेना है, प्रॉफिट एक्चुअल में देखना है जो इसके हिसाब से आपकी कैलकुलेशन करके बताएगा। कैलकुलेशन, कंपैरिजन ऑफ रेट एंड मैनिपुलेशन, तीन ही बेसिक चीज़ें हैं जो हमें रियल स्टेट में ज़रूरत रहती है। सो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इस टॉपिक से आप सीखोगे, और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन दबा दो, इस तरीके की वीडियो आपसे मिस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसमें एक एक वीडियो में आपको 50-50 लाख करोड़ करोड़ रुपये का फ़ायदा होने वाला है। थैंक यू वेरी मच।